remember something, guys. Today's lecture is about the resultant force, that is how to add concurrent forces in space. So जब भी हमें दो से ज़्यादा वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करना हो, जैसे जिसके कंपोनेंट्स एक्स वाई जी एक्सिस पे हों, तो हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए ग्राफिकल मेथड थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो वी विल ऐड देम ज्योमेट्रिकली. सो द रिजल्टेंट आर विल ऑलवेज बी इक्वल टू समेशन एफ, दैट इज आर एक्स आई प्लस आर वाई जी प्लस आर सी के, that is the three components of resultant R, would all be equal to sum of all the components in X direction, in Y direction, and in Z direction. Or, हम इसे separate कैसे भी ले सकते हैं, that is sum of all the forces in X direction plus sum of all the forces in y direction plus sum of all the forces in z direction. So हमें अगर resultant find out करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हर force को उसके x, y and z components में define करना पड़ेगा पहले, और फिर x components को x components में add करेंगे, y को y में and z को z में. यहाँ से हमें एक और बात बताई जाती है कि r x जो magnitude है वो equal होता है summation f x के, आर वाई जो होता है समीशन एफ वाई के, एंड आर जी इक्वल्स टू समीशन एफ जी. सो दैट इज सिंपल. दिस और हम यूज करेंगे, अगर हमें आर रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए टोटल, तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जी स्क्वायर. दैट्स द ओल्ड मेथड. और अगर हमें डायरेक्शंस चाहिए होंगी तो डायरेक्शंस हम कैसे निकालेंगे, cos theta x is equals to r x over r, cos theta y is equals to r y over r, and cos theta z is equals to r z over r. So अगर हमें resultant force find out करनी है तो सबसे पहले हमें components से add up करके f x f y और f z find out करने होंगे, फिर उसके बाद हमें r x r y और r z जो कि resultant force के component वो मिल जाएंगे, उससे हम रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं और उनके एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसको साबित करने के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम सैम्पल प्रॉब्लम 2.8. इट्स अ गुड वन टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज दिस थिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. इस प्रॉब्लम में हमें कहता है कि अ वॉल इज माउंटेड, अ वॉल सेक्शन, ये जो रेड लाइनिंग में दिखाया हुआ है कि एक वॉल सेक्शन है कंक्रीट का, इसे टेम्पररी तौर पर हेल्ड किया गया है दो पिंस के जरिए, दो केबल्स के जरिए जो कि ए एंड डी पे अटैच है. केबल्स कौन सी हैं, जो ब्लू वाली, यानी ए से केबल जा रही है सी, सी से डी, इसी तरह डी से बी एंड बी से ए. तो इन चार केबल्स की वजह से ये अटैच किया गया. अच्छा, जो टेंशन दे बताई गई है इस क्वेश्चन में कि ए बी केबल के अंदर टेंशन है हमारे पास 840, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन ए बी, एंड देन ए सी के अंदर जो हमारे पास टेंशन है वो है 1200 pounds. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है ए बी एंड ए सी का, और रिजल्टेंट के एंगल्स फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हमें फिगर को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या करना था, हमें क्या चाहिए, फोर्सेस के कंपोनेंट्स चाहिए. अगर हमें टी ए बी और टी ए सी पता है तो हमारी फिगर कुछ किस तरह की हो जाएगी. तो सबसे पहले देखें जी, ए जो है वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ए ओरिजिन. बी किस लिए नहीं होगा, क्योंकि उसने बी ए और बी डी नहीं कहा, ए बी एंड ए सी का. तो हमारा ए ओरिजिन हो जाएगा. ए से हमारी एक फोर्स जो जा रही है वो ये जा रही है, इसको नाम हम दे देते हैं टी ए सी का, और ये जो दूसरी फोर्स है इसका नाम है टी ए बी. जो यूनिट वेक्टर होंगे टी ए बी और टी ए सी के इसी डायरेक्शन में, उसको हम कह देते हैं दिस इज लैम्डा ए सी एंड दिस इज लैम्डा ए बी. हर फोर्स का यूनिट वेक्टर होता है जिसमें लैम्डा था जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. सो इन दिस केस ए जो है वो असल में हमारा ओरिजिन हो गया, तो हमें हर चीज़ का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो हमें ए से लेना पड़ेगा. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नॉर्मली अगर देखा जाए
तो हमारे पास हर चीज़ का जो सेक्शन है वो यहाँ से दिया गया है। अगर हम इसको एक्स वाई जी कहते हैं, यानी जो हमारा ओरिजिनल ओरिजिन दिया गया था वो अगर ये होता है और ये हमारे पास एक्स है, लेट्स से ये हमारे पास जी है और ये जो ऊपर जा रहा है ये हमारे पास वाई है, तो हमारे पास इधर का यूनिट वेक्टर क्या होगा जी, आई, यहाँ का क्या होगा जी, जे, और यहाँ का क्या होगा के। यानी नॉर्मली ओरिजिन हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, बट असल में हमारे पास ओरिजिन कहाँ पे, ए पे। तो हमें ए से यहाँ तक का सारे फासले देखने पड़ेंगे। इन शॉर्ट अगर ओ और ए ओरिजिन है तो हर पॉइंट का जो फासला है वो हमें ए से देखना पड़ेगा, ना कि इस सेंटर से। क्लियर हुई ये बात? तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो ऑलरेडी गिवन है, वो देख लेते हैं। ये लेट सपोज क्या क्या हमें गिवन है, टोटल हाइट ऑफ दिस वॉल जो है वो 8 फीट है, टोटल लेंथ जो है वो 27 फीट है। ए से इस वॉल का जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी एक्स एक्सेस में फासला है वो 16 फीट है। ए से इस कॉर्नर का, यानी अगर ओरिजिन ए है ना कि ये, तो इस कॉर्नर का जो फासला है वो कितना है, 11 फीट है, यानी इन जी एक्सेस। बट ए से इस कॉर्नर का यानी सी का फासला है वो कितना होगा, ये टोटल 27 है, अगर ये 11 है तो वो कितना बचा, दैट इज 16। कितना बचा जी, 16। तो ये हमारे पास जो चीज़ नहीं पता थी वो हमें पता चल गई, ये हाइट अगर वो 8 फीट है तो लाजिम बात है ये हाइट भी 8 फीट ही। क्लियर है? तो हमारे पास काफ़ी कुछ डायमेंशंस पता है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी का मैग्नीट्यूड और ए बी वेक्टर्स फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हम ए बी लिखने की कोशिश करते हैं, अगर आपको समझ आता है तो, दैट इज ए बी वैक्टर। यानी ए बी का, ए से बी अगर हम जाएं तो हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब अगर हमने ए से बी पर जाना है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव है, जबकि हम ए से बैक साइड पे जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस कितना होगा, नेगेटिव होगा। ए से वॉल तक का डिफरेंस कितना है, 16 एक्स एक्सिस पे, तो ये कितना आ जाएगा जी, नेगेटिव 16 फीट, और ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स का कंपोनेंट है, तो फाइव आ जाएगा। ए से बी पे यानी ये डिस्टेंस था ये वाला, अब हमने क्या करना है, ऊपर जाना है। ए से वाई तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना होगा, 8 फीट, एंड दैट इज जे कंपोनेंट। एंड ए से जी डायरेक्शन में, अब जी डायरेक्शन फ्रंट साइड पे पॉजिटिव है एंड बैक साइड पे नेगेटिव है, तो ए से जी डायरेक्शन में हमने कितना फिर डिस्टेंस कवर किया है, 11 फीट। सो दैट इज ओवर ए बी। इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसी फार्मूले से, दैट इज इक्वल टू 21 फीट। सो ए बी मैग्नीट्यूड हमारे पास आया है 21 फीट। नाउ वी विल टॉक अबाउट ए सी वैक्टर। ए सी वैक्टर कंपोज ऑफ, अब हमें ए से सी पॉइंट पे जाना है, पहले हम ए से बी पॉइंट पे गए थे। अगर हम ए से सी पॉइंट पर जाएं तो एक्स एक्सिस में तो डिस्टेंस सेम है क्योंकि वॉल का डिस्टेंस ए से चेंज नहीं हो रहा, तो इट विल बी नेगेटिव 16। अगेन ए से सी का वर्टिकल डिस्टेंस भी सेम है क्योंकि वाई एक्सिस पे है, सो इट विल बी अगेन 8 फीट जे। बट पहले हम ए से जी एक्सिस के आ रहे थे पॉजिटिव, बाहर की तरफ आ रहे थे जो कि 11 फीट था, लेकिन ए से सी की तरफ जाएंगे तो हम 16 फीट मूव कर रहे हैं एंड दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज जी एक्सिस बैक साइड पे नेगेटिव आ रहा है, सो इट विल बी नेगेटिव 16 फीट। इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, सो ए सी विल बी इक्वल टू 24 फीट। सो यहाँ तक आई होप जो मेन डिफिकल्ट पार्ट है स्पेस का वो हमें यही है कि हमें एक्स वाई जी की रियलाइजेशन नहीं होती। सो हमें एक्स वाई जी की रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ओरिजिन से हम किस साइड पर आ रहे हैं,
पॉजिटिव पे जा रहे हैं या नेगेटिव पे जा रहे हैं। अगर हमें ये समझ आ जाता है तो हम बहुत आसानी से बोलते हैं। हमने इसको ओरिजिन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हमें इसको ओरिजिन लेते तो फिर हमें रेफरेंस एक्सेस के तौर पर ए बी एंड ए सी दोनों इसके लिहाज से फाइंड आउट करने पड़ते जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। सो हमें ए से ही फाइंड आउट करना सही है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो नाउ वी हैव ए बी एंड ए सी, इसकी वैल्यू आप याद रखिएगा तो हम आगे से इसी को यूज़ करेंगे। Now we have to find tension AB is equal to जो कि हमारे पास फॉर्मूला था दैट इज टी ए बी मैग्नीट्यूड दैट इज वेक्टर इनटू लैम्डा ए बी वेक्टर। और लैम्डा ए बी वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास लैम्डा ए बी लैम्डा इज ऑलवेज इक्वल्स टू द फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम इसे इससे रिप्लेस कर देंगे। टी ए बी वेक्टर की हमारे पास वैल्यू आ जाती है टी ए बी मैग्नीट्यूड इनटू ए बी वेक्टर ओवर ए बी मैग्नीट्यूड। अब इस इक्वेशन में देखें, अभी हमने लास्ट बोर्ड के ऊपर ए बी वेक्टर फाइंड आउट किया है और ए बी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है और टी ए बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो टी ए बी वेक्टर वुड बी इक्वल टू 840 pounds multiplied by minus 16 feet I plus 8 feet J plus 11 feet K and AB की वैल्यू हमारे पास आई थी 21 feet। मैं यूनिट साथ साथ इसलिए लिखता जा रहा हूँ ताकि बाद में आप लोगों को यूनिट सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास की ए बी वैक्टर वुड बी इक्वल्स टू माइनस 640 पाउंड आई एज फीट इज क्रॉस ड्रॉप बाई फीट प्लस 320 पाउंड जे प्लस 440 पाउंड के। सो दिस इज अवर टी ए बी वैक्टर वैल्यू। तो हमारे पास एक फोर्स जो हमारे पास टी ए बी थी वेक्टर वैल्यू इसकी हमारे पास आ गई। नाउ वी हैव टू डू द सेम प्रोसीजर विद टी ए सी। सो हम हर जगह ए बी की जगह भी ए सी कर देंगे वो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। फॉर्मूलाज विल बी सेम दैट इज टी ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू टी ए सी मैग्नीट्यूड इनटू लैम्डा ए सी वेक्टर अगेन टी ए सी वेक्टर इक्वल्स टू टी ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी वेक्टर एंड ए सी मैग्नीट्यूड। इन तीनों चीज़ों की वैल्यू हमारे पास हैं, इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास टी ए सी आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस 800 पाउंड आई प्लस 400 पाउंड जे माइनस 800 पाउंड के। सो दिस इज अवर टी ए सी वैक्टर। अब हमारे पास दोनों वैक्टर्स आ गए हैं, इनको अब हमने क्या करना है रिजल्टेंट वैक्टर फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि आर फाइंड आउट करें। अब हमें टी ए सी वैक्टर और टी ए बी वैक्टर्स फाइंड आउट हो गए, हमने आर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला अभी जो मैंने फर्स्ट स्क्रीन पर लिखा था दैट इज R vector is equals to T A B vector plus T A C vector। तो हमें क्या करना पड़ेगा R के साथ T A C के सारे कंपोनेंट T A B के सारे कंपोनेंट्स वो हमें R में ऐड करने पड़ेंगे। तो R vector हमारे पास दोनों का वैक्टर क्या आएगा माइनस 1440 पाउंड प्लस 720 पाउंड I J माइनस 360 पाउंड के। वहीं हमारे पास आर वेक्टर आ गया, आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, फार्मूला फर्स्ट स्क्रीन पे था। इसी तरह कॉस थीटा वाई कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा जी हम सारे फाइंड आउट कर सकते हैं और हमारा ये क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट।